अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बुरखे की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए, ये हमारा बुरखे का कपड़ा है जो कि थोड़ा कलर में है। इस तरह हम साइज लेंगे, शोल्डर के पास से टेप रखेंगे इस तरह, और पूरा नीचे तक टेप रखते हुए बीच सेंटर में इसका साइज ले लेंगे। देखिए, ये 53.5 है। इसे हम नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब देखिए, शोल्डर मापेंगे हम। शोल्डर के लिए हम इसकी सिलाई से, ये जो यहाँ पर बगल के पास हमारा जो आस्तीन लगा हुआ है, यहाँ की सिलाई से इस तरह हम टेप रखते हुए शोल्डर लेंगे। देखिए, ये 17 इंचेस है यहाँ से। अब हम इसके बाद 17 इंचेस लिखने के बाद आर्मोल मापेंगे। आर्मोल के लिए हम टेप को इस तरह रख लेंगे, और देखिए टेप को हम इसी तरह सीधा रखते हुए, ये जो हमारा यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ से हम आर्मोल देखेंगे। आर्मोल है हमारा 9 इंच। अब इसके बाद हम शोल्डर पे इस तरह, जिस तरह हमने आर्मोल मापा था, उसी तरह टेप को रखेंगे और बुरखे के कमर का हिस्सा माप लेंगे, यानी कि कमर की लंबाई। तो देखिए, यहाँ पर शेप है, तो इस तरह हम कमर की लंबाई 15 पर लेंगे। वेस्ट लेंथ हमारी 15 पर आएगी। देखिए, जहां पर हमने लंबाई ली थी, वहां पर टेप को हम आड़े रख देंगे इस तरह, और कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई है 20 इंच। सॉरी, पहले हम छाते का हिस्सा ले लेंगे, यानी कि चेस्ट का साइज लेंगे। चेस्ट का साइज लेने के लिए हम बगल के पास इस तरह टेप को रख लेंगे, और दूसरी साइड भी बगल के पास टेप को अच्छे से रख लेंगे। और देखिए, यहां पर यह है 20 इंच, यानी 20 इंचेस। तो इस तरह हम 20 इंच लिखेंगे, लेकिन हमें इसमें 3-3 इंच लूज रखने के लिए कहा गया, यानी कि इस साइड हमें 1.5 इंच लूज रखना है, और इस साइड हमें 1.5 इंच लूज रखना है। तो हम 23 इंचेस लेंगे। 20 में 3 मिलाकर 23 ले लेंगे लूजिंग के लिए। अब हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई हमें नीचे, देखिए कमर की चौड़ाई हमारी 20 इंच है। यहां पर कमर की चौड़ाई यहां पर 20 इंच है। अब 20 में भी हम और 2 इंच या 3 इंच मिला लेंगे, तो कमर की चौड़ाई हमें 22, 2 इंच मिलाकर 22 लिख लेंगे। इसके बाद हम घेरा लेंगे। पूरा नीचे जो लास्ट हिस्सा होता है दामन में, उसका हम घेरे का साइज ले लेंगे मापते हुए। देखिए, इस तरह हम नीचे के घेरे के साइज को ले लेंगे। नीचे का घेरे का साइज है 42 इंचेस। तो इस तरह हम पूरा टेप रखते हुए 42 इंचेस लिख लेंगे, यानी ये बॉटम का हिस्सा है, तो बॉटम का हम 42 इंचेस लिख लेंगे, जिसे कि हम दामन भी बोलते हैं। अब हम आस्तीन की लंबाई लेंगे बुरखे की। देखिए, शोल्डर के पास टेप रखते हुए हम आस्तीन की लंबाई लेंगे। आस्तीन की लंबाई है 22.5 इंचेस, और आस्तीन की चौड़ाई भी इस पर ले लेंगे हम। आस्तीन की चौड़ाई है हमारी 6 इंचेस। 6 में 1 पॉइंट कम है, लेकिन हम 6 लिख लेंगे। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई और गले की लंबाई लेंगे। गले की चौड़ाई हम किस तरह मापते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो हमारा ओपन हिस्सा है, यहां से इस तरह रख देंगे हम टेप को। देखिए, ये 6 इंच है, 6.25 इंच है। तो हम इसका आधा करेंगे, यानी कि 6.25 का आधा होता है 3 पर 1 काड़ी, 3.1। लेकिन हम यहाँ गले की चौड़ाई 3 इंचेस लिख लेंगे। और अब हम गले की लंबाई मापेंगे। इस तरह हम गले की लंबाई भी माप लेंगे कॉर्नर पर टेप रखते हुए। देखिए, गले की लंबाई है 8 इंच। इस तरह हम क्रॉस टेप लेंगे, और इसमें हम माया नहीं मिलाएंगे। तो गले की लंबाई है 8 इंच। पीछे तो हमारा गला नहीं होता है, यानी हमें गले का कटिंग करना नहीं होता है, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली कॉलर के जैसा पट्टी लगा देते हैं। तो ये इस तरह हमारा बुरखा मापने का तरीका था। आइए, अब हम देखते हैं बुरखे की कटिंग किस तरह करते हैं। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं आप लोगों के लिए। देखिए, ये हमारा बुरखे का कपड़ा है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर कपड़ा है ये। इसे हम ओपन कर लेंगे। देखिए, कपड़े की पहले हम चौड़ाई माप के बताएंगे। देखिए, यहां से हमारी कपड़े की चौड़ाई है 36.5 इंच, यानी कि जो ब्लैक कपड़े का बुरखा था, उसके मुकाबले इसकी चौड़ाई कम आएंगी। तो इसे हम कली के जरिए, यानी छोटी सी कली लगाते हुए, हम
42 और माया मिलाते हुए 44, इतना हमें कली लगानी है दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी। अब हमने ये 2 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है, इसे अब हम 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह कपड़े को हम 4 फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। 4 फोल्ड करते हुए पूरा कपड़ा बिछा लेंगे हम। देखिए इस तरह हमने 4 फोल्ड करते हुए कपड़े को बिछा लिया है, यानी कि हमने 4 पदर कर लिया है इस कपड़े को। इस तरह किनारे हमने 4 मिला दिए हैं और फोल्ड कपड़ा हमारी साइड हमने रखा हुआ है। अब हम इस पर लंबाई लेंगे, लंबाई हमारी 53 है तो हम इसमें मार्जिन 2 इंच मिलाते हुए 55 लेंगे। देखिए 1 नंबर का टिक हमने यहाँ पर निशान ले लिया है। इस तरह हमने 55 इंच पर भी निशान ले लिया है, यहाँ हमारा 55 इंच है लास्ट में। तो इस तरह हमने लंबाई का निशान बना लिया है। अब हम ऊपर की तरफ शोल्डर का निशान बनाएंगे टेप को चौड़ाई के तरीके में रखते हुए। तो देखिए हमारा शोल्डर था 17 इंच, 17 का आधा होता है 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह हम 8.5 इंच पर यहाँ तक निशान लगा लेंगे फोल्ड साइड के कपड़े के पास से। अब हम इस पर आरमोल लेंगे, हमारा बुरखे का आरमोल है 9 इंच, तो इस तरह हम 9 इंच पर एक निशान बना लेंगे। देखिए 9 इंच हमारा हो चुका है। अब हम चेस्ट का निशान लेंगे। देखिए चेस्ट का निशान भी लेने के लिए हमें बगल का निशान जा रुका है वहां टेप को आड़े में यानी कि चौड़ाई के तरीके में डालना है। तो मोड़े हुए कपड़े की तरफ से हम यहाँ पर 11.5, 23 का आधा होता है 11.5, लेकिन हम और आधा इंच लूजिंग मिलाते हुए 12 इंचेस ले लेंगे और इसे इस तरह मिला लेंगे। देखिए इस तरह है। अब हम इस पर यहाँ पर मार्जिन लगाएंगे 2 इंच। देखिए इस मार्जिन का भी निशान हम यहाँ पर बाजू में लगा लेंगे। यह हमारी मार्जिन हो गई, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा एक्स्ट्रा लकीर आगे खींची हुई थी। अब हम इस पर कमर की लंबाई यानी कि शोल्डर के पास से दोबारा टेप रखेंगे और 15 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे, क्योंकि बुरखे की जो कमर की लंबाई थी वो 15 इंच पर थी। तो देखिए यहाँ पर मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब हम कमर की चौड़ाई लेंगे, कमर की चौड़ाई हमें 22 इंच रखना है। 20 इंच की बुरखे की चौड़ाई थी कमर की, हमने 2 इंच कमर में भी मिलाना है तो 22 हो गया। 22 का हाफ लेंगे हम 11 इंचेस और इस तरह लकीर खींच लेंगे। ये 11 इंच की लकीर है। देखिए इधर मोड़े हुए कपड़े की तरफ से, मोड़े हुए कपड़े के साइड से ये 11 इंच हमने ले लिया है। अब हम इसे 2 इंच मार्जिन यहाँ भी लगा लेंगे। इस तरह हमें 2 इंच मार्जिन लगा ली है। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे निशानों को। देखिए इस तरह राउंड स्केल की मदद से हम इसे इस तरह बना लेंगे। अब देखिए इसके साइड से भी हम बाहर से बाहर का निशान मिला लेंगे। इस तरह हमने इसे निशान को मिला लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा राउंड बना लेंगे। आप इस तरह 1 इंच का टेप रखकर भी देख सकते हैं क्रॉस में, ये जो दोनों हमारा कॉर्नर है इसके इस तरह क्रॉस में 1 इंच का टेप होना चाहिए। इस तरह राउंड बना लेंगे हम। ऊपर का हिस्सा हमारा हो चुका है, अब हम दामन में साइज डालेंगे यानी कि बॉटम का। देखिए इस तरह हमारा जो दामन का साइज है वो इस कपड़े में कम है, 18 इंच है, तो हमें इस तरह ज्वाइंट लगाना है यानी कि जितना हमें दामन, हमारा दामन था बुरखे पर 42, तो 42 का हाफ होता है 21। देखिए इस तरह 21 ये रेडी आना है। तो 1 इंच हम मार्जिन का लेते हुए 22, यहाँ पर 22 का टेप रखने के बाद यहाँ देखेंगे हम 4 इंच की कली लग रही है। देखिए ये 4 इंच की कली लग रही है यहाँ पर, तो हम इसी तरह कली लगाएंगे। अब ये 4 इंच की जो हम जॉइंट लगा रहे हैं यहीं से हम टेप को रख देंगे कॉर्नर से। देखिए इस तरह हम टेप को क्रॉस रखते हुए ऊपर माये के पास निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह हमने ऊपर से निशान लेते हुए पूरा नीचे टेबल के ऊपर निशान लगा लिया है। इसे हम 4 कली की ज्वाइंट लगाएंगे चौड़ाई बढ़ाने के लिए, घेरा बढ़ाने के लिए। तो इस तरह हमारा ये बुरखे का डायग्राम हो चुका है। अब हम इसे पहले कट कर लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर के पास से कटिंग करना शुरू करेंगे इस तरह, उसके बाद हम आर्मोल कट करेंगे, इसके बाद जो हमने बाहर की मार्जिन ली हुई थी उसे कट करेंगे। इस तरह हम कभी भी ऊपर से कटिंग करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए इस तरह बुरखा हमारा कट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो कपड़ा हमारा ये
कमर के पास बचा हुआ है इसी की कली बनाकर लगाएंगे, तो इसे हम उल्टा करते हुए नीचे की तरफ बिछाएंगे। देखिए कोने का हिस्सा इस तरह लगाते हुए हमें इस तरह बिछा लेना है नीचे की तरफ। देखिए हमने पलटी करके इस कपड़े को जो बचा हुआ था उसे पलटी करके रख लिया है। अब हमने नीचे से इस तरह क्रॉस करके लेना है कपड़े को। देखिए ये जो इस तरह सीधा स्ट्रेट कपड़ा है, देखिए इस तरह जो हमारा ये सीधा कपड़ा है, पहले हमने इस तरह निशान ले लेना है। यहाँ से 4 इंच लेना है हमें, उसके बाद इसे आधे हिस्से से यानी कि जितना हमारा टोटल कपड़ा है उसके आधे हिस्से से इस पर राउंड बनाना है और ऊपर माये के पास से इसे मिला लेना है। तो यहाँ पर हमारा कली लग जाएंगी। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए नीचे से इस तरह मैं कट कर रही हूँ इस कली को। अब इस साइड से भी हम इसे यहाँ तक कट कर लेंगे। देखिए हमने इस कली को भी कट कर लिया है। अब हम इसके आस्तीन बताएंगे। कटिंग करने से पहले हम कट बगल माप लेंगे, इस तरह राउंड करते हुए कट बगल का साइज ले लेंगे। देखिए इस तरह हम कट बगल माप रहे हैं। कट बगल का साइज है हमारा 13 इंचेस। देखिए अब आस्तीन के लिए हमारा ये 2 फोल्ड कपड़ा जो हमने लिया हुआ था बुरखे की कटिंग के लिए, बचे हुए कपड़े को हमने इस तरह माप लेंगे। ये 18 इंच है लेकिन हमारा कट बगल 13 इंच है, तो हम इस कपड़े को पीछे इतना हटाएंगे कि हमारा ये चौड़ाई 13 इंच आनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस तरह हमने 13 इंच का कपड़ा हटा लिया है। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह। ये कपड़ा हमारा ऊपर दिखना चाहिए इसलिए हम इस तरह 4 फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह 4 फोल्ड करते हुए हमने कपड़े को बिछा लिया है। हमें इस बाजू का कपड़ा बचाना है क्योंकि हमें बुरके में जेब लगाना है। तो इस तरह हमने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को। देखिए ये 1, 2, 3, 4 13 इंच की चौड़ाई से हमने लिया हुआ है। यहाँ से 13 इंच की चौड़ाई है। ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये जेब लगाने के काम में आएगा। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। आस्तीन की लंबाई है 22.5, तो हमें इसमें 1.5 इंच मिलाकर 24 लेना है। देखिए इस कपड़े में हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें 0.5 इंच के आस्तीन कम है क्योंकि ये कपड़ा कम है, तो 24 हमें आना चाहिए था। तो हम आस्तीन में थोड़ा बारीक सिलाई करेंगे, तो 23.5 ये हमारी लंबाई हो चुकी है। अब टेप को इसी तरह रखते हुए हमें 4 इंच पर एक लकीर खींचनी है ताकि इस पर हम शेप ले सके। अब देखिए ये 4 इंच की लकीर पर हम 13 इंच क्रॉस करते हुए रख देंगे इस तरह 13 इंच क्रॉस करके। अब यहाँ से हम लकीर निशान लगाएंगे इस तरह। अब इसे हम शेप देंगे आधे हिस्से तक। 13 का आधा होता है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच तक हम ऊपर से निशान लगाएंगे राउंड इस तरह, और 6.5 इंच के बाद हम 4 इंच की लकीर पर इस निशान को ढलाएंगे। देखिए ये ऊपर का हिस्सा हो गया है। अब हम नीचे आस्तीन की चौड़ाई लेंगे 6 में 2 इंच मार्जिन लगाते हुए 8 इंच। देखिए अब हमने 6 में 2 मिलाते हुए 8 इंच का निशान ले लिया है। अब हम राउंड स्केल यूज करके आस्तीन का शेप बनाएंगे। देखिए इस तरह जहां हमारा 13 इंच आया था वहां से हमें राउंड स्केल को रखते हुए इस तरह राउंड बना लेना है। ये हमारा राउंड स्केल से निशान हो चुका है। अब हम इस आस्तीन को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने आस्तीन कट कर लिया है। अब हम फ्रंट का नेक बताएंगे क्योंकि बैक साइड का तो नेक नहीं है हमारा बुरके का, इसके लिए हम फ्रंट की नेक की कटिंग बताएंगे। देखिए हमने दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लिया है। अब हम एक साइड का हिस्सा बैक साइड के लिए रख देंगे, नेक नहीं कट करेंगे, और फ्रंट के हिस्से में हम नेक कट करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है, इस तरह हमने निशान लगा लिया है, और नेक की लंबाई हम 8 इंच लेना है क्योंकि जो सिया हुआ बुरखा है उसके ऊपर भी 8 इंच है। तो इस तरह जहां हमने 3 इंच से निशान लगाया था वहां 8 इंच ले लेंगे। देखिए इस तरह हमने 8 इंच का बॉक्स बना लिया है यहाँ तक, और यहाँ से भी 3 इंच ले लिया है। अब हम इसे 5 शेप या राउंड में कट करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हम 1 इंच का टेप रखकर राउंड ले लेंगे। देखिए इस तरह मैं राउंड कर रही हूँ इसे। ये हमारा राउंड हो चुका है नेक। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए ये कट हो चुका है। अब इसकी नेक की पट्टी बताएंगे हम। नेक की पट्टी कट करने के लिए ये बचा हुआ फोल्ड कपड़ा लेंगे हम। देखिए ये फोल्ड साइड है कपड़े का,
तो फोल्ड साइड पर हम जो नेक कट किए थे उसी को उठाकर रख देंगे। फोल्ड पर फोल्ड कपड़ा आना चाहिए इस तरह, और सेम इसी तरह हम इसे कट कर लेंगे। अंदर का हिस्सा सेम हमें कट करना है। देखिए ये हमारा कपड़ा कट हो चुका है। अब हम इसे हटाएंगे और यहां से एक से सवा इंच का पट्टी लेते हुए कट करेंगे। अब देखिए इस पट्टी को हम एक से सवा इंच लेते हुए कट कर लेंगे और इसमें पेपर स्टिक भी कट करेंगे। ये पट्टी है हमारी, ये पट्टी हो चुकी है। अब हम पेपर स्टिक कट करेंगे इसका। देखिए पेपर स्टिक हमने चौड़ाई में 8 इंच का लिया हुआ है, लंबाई में हम एक्स्ट्रा ही लिए हैं। अब इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह हमने डायग्राम डाल लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे पट्टी की तरह। देखिए हमने पेपर स्टिक की पट्टी कट कर ली। अब हम बचे हुए कपड़े में जेब कट करके बताएंगे। देखिए बचे हुए कपड़े में हमने इस तरह 15 इंच का निशान ले लेना है और इसे राउंड शेप देते हुए कट करना है। बुरके को या जेब को इस तरह नीचे की तरफ से हम राउंड शेप देंगे। देखिए अब हमने जेब का इस तरह निशान लगा लिया। आप अगर छोटा जेब चाहते हैं तो इस तरह राउंड बना लीजिए, और थोड़ा सा बड़ा जेब चाहते हैं तो और थोड़ा एक्स्ट्रा बना लीजिए। इसमें इस तरह हमें जेब कट कर लेना है बुरके को लगाने के लिए। देखिए इस तरह हमारा ये जेब कट हो चुका है। ये बीच के सेंटर से हम 7 से 8 इंच कट लगा देंगे, ओपन रखेंगे यहाँ से। देखिए ये हमने बीच सेंटर में 8 इंच का निशान लगा लिया है, क्योंकि हमें 8 इंच जेब में अंदर हाथ डालने के लिए ओपन रखना है। तो इस तरह हमने 8 इंच का निशान बना लिया है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं आएंगी। जब हम जेब को अटैच करेंगे तो यहाँ पर इतनी सिलाई और यहाँ पर इतनी सिलाई आएंगी। बाद में राउंड इस तरह जैसे मैंने ब्लू चौक डाला हुआ है, इतनी सिलाई आएंगी। तो ये हम सिलाई करते वक्त बताएंगे। अब हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। पीछे खाली बैक साइड के तरफ हमें पट्टी लगाने के लिए सीधी सी पट्टी लेना है। देखिए हमने ये बैक साइड को लगाने के लिए पट्टी कट कर ली है। इसे हमें ज्वाइंट लेना है, क्योंकि कपड़ा कम पड़ने की वजह से ये ज्वाइंट लगाएंगे हम। ये हमारी पीछे बैक साइड में गले को लगेंगी, शोल्डर के ऊपर। कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है, आइए देखते हैं इसकी स्टिचिंग। देखिए सबसे पहले हम सिलाई में नीचे कली की सिलाई करेंगे, यानी कलियों को ज्वाइंट करेंगे हम। देखिए हमारा नीचे का बॉटम का कपड़ा है ये, और उसके ऊपर हम कली रख रहे हैं सीधे को सीधा कपड़ा चिपकाते हुए। सिलाई कर रहे हैं हम। इसे डबल सिलाई भी लगा लेंगे। इसी तरह हम ये जो पूरे कलियां हैं इसे चारों तरफ ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम गले में पेपर स्टिक भी बिठा लेंगे सिलाई के जरिए। देखिए ये इस तरह हमने फोल्ड करके सिलाई किया हुआ है। इसके कलियां ज्वाइंट करने के बाद हम गले की पट्टी लगाएंगे। हमने कलियों को ज्वाइंट कर लिया है बॉटम में। अब हम सबसे पहले गले की पट्टी लगाएंगे फ्रंट में। देखिए इस तरह मैं फ्रंट की नेक की पट्टी बना रही हूँ। 2 पॉइंट का हम मार्जिंग छोड़ेंगे, और 2 पॉइंट की मार्जिंग रखते हुए इस पर सिलाई ले लेंगे पूरी पट्टी पर। अब देखिए हम दाब सिलाई लेंगे, यानी कि पट्टी को ओपन करते हुए, यानी कि पट्टी को खोलते हुए, और हमारा माया पट्टी में ही होना चाहिए। इस तरह रखते हुए हम इसे दाब सिलाई लेंगे, यानी कि इसे हम खोल कर सिलाई करेंगे गले की पट्टी को। पूरी पट्टी हम इसी तरह खोलते हुए सिलाई करेंगे। अब देखिए हम बुरखे में तुरपाई नहीं करते, इसलिए हमें इसे पट्टी को मोड़ते हुए एक साइज में, यानी कि 1 इंच के साइज में या फिर 1/2 इंच के साइज में सिलाई लेना है, क्योंकि हम तुरपाई नहीं करेंगे इसे। सिलाई से हमें इस पट्टी को बिठा देना है।
पूरा साइज बराबर लेते हुए हम इसे राउंड सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारी ये सिलाई हो चुकी है पट्टी की। अब हम इसका शोल्डर पहले पैक करेंगे। देखिए हमने ये बैक साइड का सीधा कपड़ा ले लिया है। अब हम इस पर सामने का हिस्सा यानी कि फ्रंट साइड का उल्टा कपड़ा रख लेंगे, यानी कि सीधे को सीधा चिपकना है हमारा कपड़ा। और इस तरह रखते हुए हम शोल्डर पैक करेंगे। दोनों शोल्डर की सिलाई आधा आधा इंच की मार्जिन से ले लेंगे हम। देखिए इसी तरह हम डबल सिलाई भी कर लेंगे इस पर। देखिए अब हमने दोनों शोल्डर पैक कर लिया है। अब हम ये जो हमने पट्टी कट करके रखी हुई थी 1.5 इंच की, इसे ज्वाइंट कर लिया है हमने। अब इसे हम उल्टी पट्टी रखेंगे, यानी कि उल्टा इस तरह इसके ऊपर रखेंगे हम। और इस पर रखते हुए हम जितना हमने शोल्डर पैक किया था उतना ही मार्जिन में इसे भी पैक करेंगे। देखिए हमने इसे जिस तरह हमने शोल्डर पैक किया था सेम उसी तरह शोल्डर पर रखते हुए इस पट्टी को ले रहे हैं, क्योंकि हम इस पट्टी को बैक साइड में बदली करेंगे, यानी कि पलटी कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी हो रही है मैं इसे कट कर रही हूँ। अब देखिए इस पट्टी को हम दाब सिलाई लेंगे, यानी पट्टी को खुली रखते हुए इसकी सिलाई लेंगे। इस तरह सिलाई करते हैं बुरखे के बैक साइड की। इससे क्या होता है कि आपका ना तो तागे निकलने का टेंशन होता है और ना ही पीछे गला हमें बनाना है, इसलिए हम इस तरह की पट्टी लगाते हैं। देखिए हमारी ये पट्टी लग चुकी है। अब हम इसे गले को खोल देंगे और गले को खोलते हुए हम इस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर लेंगे, यानी बैक साइड के साइड। यह हमारा फ्रंट साइड है तो बैक साइड के साइड हम इस पट्टी को ओपन करके रखेंगे। हमारा ये किनारा है इसलिए मैंने इसे मोड़कर सिलाई नहीं ली है। अगर आपके पास ये पट्टी किनारे की नहीं है तो आप मोड़कर सिलाई ले लीजिए। इस तरह इस पट्टी को हम बैक साइड पर चिपका लेंगे। अब इसी तरह हमारा गला सिलाई हो जाती है कंप्लीट। अब हम इस पर आस्तीन लगाएंगे, इसे सीधा रखते हुए हम आस्तीन लगाएंगे। देखिए जो हमारा ब्रुखे का फ्रंट का हिस्सा है इसमें हम थोड़ा सा शेप कट करेंगे फ्रंट में, यानी थोड़ा सा कपड़ा हम यहाँ से कट कर देंगे फ्रंट के हिस्से में। और आस्तीन को हम आस्तीन में भी हम फ्रंट में कटिंग करेंगे, यानी शेप बनाएंगे आस्तीन में भी। देखिए जो हमने कट लिया हुआ था कट के पास से हम 1 इंच कपड़ा निकाल देंगे आस्तीनों में। यहाँ लास्ट का कपड़ा हम 2 इंच नहीं निकालेंगे। अब इसका सेंटर जो हमारा है बीच का आस्तीन का, इसे पकड़ते हुए हम शोल्डर में सिलाई रखते हुए करेंगे। देखिए जो हमारी शोल्डर की सिलाई है इस सिलाई पर हम बीच का सेंटर जिसमें हमने आस्तीनों में कट लगाया था उसे रखते हुए इस तरह पहले पकड़ेंगे हम कपड़े पर कपड़ा। देखिए इसके बाद हमारे थोड़े से आस्तीन ज्यादा हो रहे हैं, जो भी ज्यादा हो रहा है कपड़ा वो बाहर की तरफ छोड़ देंगे आस्तीन का और इसे रफ करते हुए सिलाई करेंगे। आधा इंच या 1.25 इंच की मार्जिन होनी चाहिए हमारी।
देखिए इस तरह मैं आधा इंच की मार्जिन पर इसे सिलाई कर रही हूं। देखिए बीच में कट पकड़ कर लेने से हमारे जो दोनों भी कोने ज्यादा हो रहे हैं वो बाहर की ओर छूट रहे हैं। अब हम इस आस्तीन पर डबल सिलाई करेंगे। दोनों आस्तीन हम इसी तरह लगा लेंगे डबल सिलाई करते हुए। देखिए दूसरी साइड भी हमने बगल में यानी आर्मोल में इस तरह शेप कट कर लिया है और आस्तीन में भी शेप कट कर लिया है और दूसरा आस्तीन भी हम शेप कट करते हुए ही लगाएंगे फ्रंट के हिस्से में। देखिए दोनों हमारे आस्तीन लग चुके हैं। अब हम 6 इंच की चौड़ाई लेंगे और 6 इंच की चौड़ाई पे भी सिलाई कर लेंगे यानी कि लेफ्ट साइड का बुरखा सॉरी राइट साइड के हैंड पे जो आता है यानी सीधे हाथ की तरफ उधर हम बगल से 6 इंच नीचे तक सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह में दोनों बगल की सिलाई हमारी बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह हम कपड़े का ध्यान रखते हुए पकड़ेंगे। अगर आपका ये छोटा और एक बड़ा हो रहा है तो जो छोटा हो रहा है उसे थोड़ा टाइट पकड़िए, जो बड़ा हो रहा है उसे थोड़ा लूज छोड़िए, तो ये बराबर में आ जाता है सिलाई। देखिए अब हमारा ये बगल के पास आ चुकी है सिलाई। यहां पर पहले हम बगल के पास रफ कर लेंगे, इस तरह हम थोड़ा सा रफ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ सुई को अटका देंगे और टेप का यूज करते हुए 6 इंच लेंगे क्योंकि हमें ये साइड जेब लगाना है। देखिए हम टेप यूज करते हुए बगल की सिलाई से 6 इंच या 6.5 इंच तक आकर हमें रफ कर देना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच तक रफ करूंगी। रफ मतलब हमें लॉक करना है सिलाई को, जिसे कि हम रफ कहते हैं। देखिए इस तरह मैं इसे लॉक कर रही हूँ और हम बाहर निकाल लेंगे सिलाई का हिस्सा। अब दूसरी सिलाई भी हम गैप करके लेंगे यहाँ से आधा इंच का, यानी जितना हमारा ये टीन का टुकड़ा होता है यानी कि या एल्यूमिनियम का टुकड़ा, उतना गैप करते हुए हम इसे सिलाई लेंगे। और इस तरह सिलाई लेते हुए हम इसे 6 इंच पर आकर मिला देंगे। देखिए इस तरह हमने तीसरी सिलाई भी ले ली है, यानी कि हमने गैप करते करते 3 सिलाई लेकर यहाँ पर जेब जहाँ हमें लगाना है वहां पर मिला लिया है, जिस तरह हम चौकों के पास मिलाते हैं। और जो ये ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था, हमने इसे कट कर लेना है। अब हम जेब लगाने के लिए यहां से 6 या 7 इंच ओपन रख देंगे, यानी कि यहां से 6 या 7 इंच तक हम सिलाई नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम सिलाई करेंगे। देखिए अब जहां से हमने रफ किया हुआ था वहां से हमें 6 इंच तक बीच में सिलाई नहीं लेनी है। 6 इंच तक हम इस तरह निशान लगाकर छोड़ देंगे। उसके बाद 6 इंच के बाद जहां पर ये 6 इंच रुकता है उसके बाद नीचे से सिलाई करेंगे, यानी कि इस तरह हम जहां पर हमने निशान लगाया हुआ है वहां से हमारी सिलाई आएंगी। देखिए इस तरह, और इस तरह हमारा यहाँ पर ये ओपन रहेगा यानी कि ये जेब लगाने के लिए। यहां से थोड़ा सा रफ करके हम इसे हटा देंगे और इसे अब हम जेब लगाने के लिए इस कपड़े को ओपन करेंगे इस तरह, और जो हमने जेब कट किया हुआ था उसे इस पर अटैच करेंगे। देखिए इस तरह ये हमने जेब को कटिंग के टाइम बताया हुआ था, तो जो नोक वाला हिस्सा है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो नोक चौड़ा हिस्सा है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। रखते हुए हम इसे इस तरह अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह आधा इंच की मार्जिन लेते हुए हम
पूरा नीचे तक अटैच नहीं करेंगे, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा हम बाकी रखकर इसे रख करके हटा लेंगे। ऊपर से हमने बराबर में जॉइंट किया है, नीचे थोड़ा सा बाकी रख दिया। अब हम इसे हटाते हुए दाब सिलाई लगाएंगे इस पर। रख करते हुए हम इसे हटा लेंगे। एक कपड़े को हमने एक से लगा लिया, एक जेब के कपड़े को। अब हम दूसरे हिस्से को, यानी कि जहां से हमने ये कपड़ा अटैच किया था बिल्कुल वहीं से हमें ये कपड़ा भी रखना है। और इस तरह हाफ इंच की सिलाई इसे भी लेनी है, हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए। देखिए इस बुरखे के जेब को भी हम खोलते हुए इस पर भी दाग सिलाई लेंगे, यानी ओपन करते हुए सिलाई लेंगे हम इस पर इस तरह। अब हम हमारे दोनों जेब के कपड़े अटैच हो चुके हैं। अब देखिए इस तरह हमारा जेब इस पर अटैच हो चुका है। अब हम जहां पर हमने यहाँ पर 6 इंच पे के पास रफ किया हुआ था वहां से हम जेब की गोल सिलाई लेंगे। आप चाहे तो माया आधे इंच रख सकते हैं, मैं 1 इंच रख रही हूँ। देखिए इस तरह दोनों कपड़ों को बराबर हिस्से में पकड़ेंगे और गोल सिलाई करेंगे जेब की। देखिए इस तरह जेब की सिलाई करते हुए हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे जहां हमने ये रफ करके छोड़ा हुआ था 6 इंच का निशान, वहां तक हम आएंगे। इस तरह इसे अटैच कर लेंगे, यानी रफ के पास, यानी हमने ये 6 इंच ओपन रखा है हाथ डालने के लिए। और अब यहां से सिलाई हम नीचे की तरफ शुरू करेंगे। राउंड जेब सिलाई करने के बाद हम नीचे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा माया कम करते हुए साइड की सिलाई करेंगे, जो हमारे बुरखे की साइड का हिस्सा है। देखिए अभी ये 2 कलियों का हिस्सा आ गया, जो हमने कलियों को ज्वाइंट किया हुआ था उसे भी हम इस तरह साफ करते हुए सिलाई करेंगे। ये कलियां हमने घेरा बढ़ाने के लिए लिया था, क्योंकि कपड़े में घेरा कम था इसलिए। देखिए ऊपर की कली हमारी थोड़ी छोटी दिखती है और नीचे की लंबी, तो हम सिर्फ ऊपर की कली को थोड़ा खींचकर पकड़ेंगे, नीचे की कली को हम लूज छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो लास्ट का सिलाई है वो बराबर में आ जाए। देखिए इस तरह अब ये सिलाई हमारी बिल्कुल बराबर में आ चुकी है। ऊपर हमारा माया ज्यादा था, नीचे आते आते हमने 1 इंच माया कर दिया है, ऊपर से हमारा माया ज्यादा था। अब हम डबल सिलाई लगाएंगे जहां हमने ये 6 इंच की मार्जिन छोड़ी हुई थी, उससे हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, 2 से 2.5 इंच नीचे आने के बाद हम इसे गोल फिराते हुए इस तरह ऊपर से भी गोल फिराएंगे और पूरा जिस तरह हमने जेब कट किया हुआ था राउंड उसी तरह सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह हम इसे पैक कर रहे हैं। यहां हमारा ये ट्रायंगल शेप में सिलाई आएंगी। अब हम साइड की सिलाई करेंगे।
देखिए इस तरह हमारा ये बुरखा लग चुका है। अब हम चाहे तो ये थोड़ा सा कोना छाट भी सकते हैं जो एक्स्ट्रा हो चुका है। तो इस तरह देखिए मैं इसमें हाथ डालकर बताती हूँ कि जेब हमारा किस तरह रेडी हुआ है। देखिए इसके अंदर जो हमने 6 इंच ओपन रखा हुआ था वो हमारा इस तरह जेब लग चुका है जो मैंने इस तरह सिलाई कर ली है। अब हम इस पर जिप लगाएंगे। हम जिप को खुला रखते हुए खोल देंगे पहले और इसका जो हमारा जेब का हिस्सा है इस पर हम इस तरह इसे बराबर में इस तरह फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई ले लेंगे। जहां तक हमारा जेब ओपन है वहां तक हम इस तरह सिलाई कर लेंगे। और यहां पर हम रफ करते हुए रुका देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह दूसरे हिस्से की भी जिप लगा लेंगे। हम दूसरे साइड भी इस जिप को अंदर छोड़ेंगे और इसे पैक करेंगे। हम यानी कि इसे इस जिप को हम बंद कर लेंगे इस तरह। और ये जो हमारा मार्जिन का हिस्सा है ये हमें अंदर छोड़ देना है। और अंदर छोड़ने के बाद हम इसे थोड़ा अंदर से हाथ रखते हुए गैप देते हुए इस पर यहाँ से सिलाई अटैच करेंगे। देखिए हमने दूसरा साइड पैक नहीं किया हुआ, इसके लिए हम इसे पूरे बुरखे को ओपन कर देंगे अच्छे से। ओपन करने के बाद हम इसे ये जो माया है हमारा इसके ऊपर रखते हुए इसकी सिलाई लेंगे। और अंदर से जिप को सीधी करते हुए हम यहां पर सिलाई कर लेंगे इसके किनारे। और इस तरह हम स्क्वायर में यानी कि इसे चौड़ाई के हिस्से में रफ कर लेंगे यहां पर। तो ये इस तरह हमारी जिप लग चुकी है बुरखे के अंदर। देखिए इस तरह ये अंदर का जेब है हमारे बुरखे का और ये जिप है हमारी। तो इस तरह हम धागे को कट करते हुए इसे हटा लेंगे। अब हमारी जिप लग चुकी है। अब हम दूसरा साइड पैक करेंगे यानी कि ये हमारा सीधे हाथ के तरफ का हिस्सा हो चुका है। अब हम उल्टे हाथ तीनों में से सिलाई लगाएंगे यानी उल्टे हाथ की सिलाई लगाएंगे उल्टे हैंड्स की। यहाँ भी हम 6 इंच की मार्जिन ले लेंगे। मेरे यहाँ पर टेप है मैं इसे ही रखकर मापती हूँ। इस तरह 6 इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे बिल्कुल नीचे तक 3 सिलाई। देखिए लेफ्ट हैंड के साइड की सिलाई है इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह बगल में बगल की सिलाई आए जैसा सिलाई करेंगे। देखिए हम लेफ्ट साइड का कुछ भी ओपन नहीं रखेंगे पूरी सिलाई नीचे तक कर लेंगे। और इन दोनों कपड़ों को हमें बराबर में पकड़ना है। ऊपर से हमारा माया 2 इंच था तो उसे हम थोड़ा थोड़ा कम करते हुए नीचे 1 इंच ले लेंगे। डायरेक्ट हम माया नहीं कम करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा माया कम करते हुए आएंगे। अभी हमारे कलियों के पास हम आ चुके हैं जो हमने ज्वाइंट लगाया था। देखिए इस तरह हमारी पूरी ऊपर से नीचे तक सिलाई हो चुकी है। अब हम बिल्कुल इसी तरह नीचे की साइड की 2 भी सिलाई डाल लेंगे गैप देते हुए इस तरह पूरा नीचे तक। देखिए इस तरह हमारी जिप लग चुकी है बुरखे में। ये देखिए इस तरह। अब हम इसका कपड़ा थोड़ा थोड़ा इस तरह पकड़ते हुए आयरन करेंगे यानी इस्तरी करेंगे जब हम तो इस कपड़े को थोड़ा फोल्ड करते हुए आयरन कर लेंगे। अब हम इसके बाद नीचे दामन की बॉटम की सिलाई लेंगे। बुरखे का जो बॉटम है हमारा
ये जो हमने कली लगा ली थी इसे हम कट कर लेंगे, जो नोक हमारी ज्यादा हो रही है कली की, और इसे बीच के सेंटर से लेते हुए इस तरह दो बार हम हाफ हाफ इंच मोड़ देंगे। और जिस तरह हम कुर्ती का चौक मारते हैं, दामन मारते हैं बॉटम, उसी तरह इसे भी सिलाई करेंगे। हम यहाँ नजदीक में कपड़ा नहीं पकड़ेंगे बल्कि आगे का कपड़ा पकड़ेंगे और इसे खींच लेंगे। खींचने के बाद ये उंगली से इसे हम सही कर देंगे। इसी तरह हम कपड़े को थोड़ा छोड़ देंगे और आगे का कपड़ा पकड़ते जाएंगे और इसे खींचेंगे। खींचने पर ये सीधा हो जाता है। सीधा होने पर हम किनारे की सिलाई कर लेंगे। हमेशा याद रखिए, हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है और आगे का कपड़ा दो बार हाफ इंच मोड़कर इसे खींचना है। जब हम इसे खींचेंगे तो ये सिलाई साफ आ जाएंगी। और इसी तरह हम पूरा बॉटम की सिलाई कर लेंगे, यानी पूरे घेरे की सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है ये मोड़कर कपड़े की। अब हम इसके किनारे से इस तरह सिलाई लेंगे, बिल्कुल किनारे से, जिस तरह हम कुर्ती के दामन में लेते हैं। तो जब जो भी हमारा ये झोल आता है उसे हम उंगली से अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि ये कपड़े में फिनिशिंग आ जाए। देखिए ये किस तरह हमारी रिंकल दिख रही है, लेकिन जब हम इसे टाइट पकड़कर खींचेंगे और उंगली से इस तरह साफ कर लेंगे तब ये रिंकल खत्म हो जाएंगी, यानी अंदर की ओर चले जाएंगी। देखिए ये फिनिशिंग में आ गई। तो इस तरह हमें इस रिंकल को दूर करने के लिए इसे टाइट पकड़कर खींचना है और इसके किनारे पर सिलाई लेनी है। खींचने के बाद तब ये रिंकल अंदर की ओर चले जाती है या साफ हो जाती है। देखिए यहाँ पे दोबारा है रिंकल है, यानी कि खिंचाव दिख रहा है कपड़े में। तो हमें इसे टाइट पकड़कर खींचना है कपड़े को और इसे उंगली को साफ करना है, मतलब इस कपड़े को साफ करना है उंगली से। देखिए ये पीछे है किस तरह साफ हो रही है। इसी तरह हम पूरा दामन के घेरे को सिलाई कर लेंगे। दामन में सिलाई हमारी हो चुकी है और पूरे बुरखे की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए सामने हमें ना जिप लगाया है और ना ही इसमें ओपन रखा हुआ है। ये भी पहनने में, ये राउंड गला पहनने में इजी आ जाता है। तो इसमें हमें ना जिप की जरूरत है और ना ही हुक काजे की जरूरत है। तो बिल्कुल सिंपल, सादा और कलरफुल बुरखा हम इस तरह घर में बनाकर पहन सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।